सब्सक्राइब करें आदित्य मोटोराइड चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। भाई लोग कैसे हो? तो आज मैं कंपेयर करूंगा जावा एंड जावा 42 को रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से। इसके बारे में बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं ऐसे ही बाइक से रिलेटेड और स्कूटी से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ तो आप मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ही फॉलो करें जिससे अगर आप कुछ क्वेश्चन है तो आपको वहाँ उसके जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ बात करते हैं जावा और रॉयल एनफील्ड के लुक्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोनों में ही आपको मेटलिक बॉडी मिलती है, मतलब पूरी मेटल की बॉडी दोनों बाइकों में आपको मिलती है, जो कि हम कह सकते हैं कि अगर आप कहीं एक्सीडेंट होता है तो भाई बाइक को ज़्यादा कुछ नहीं होगा लेकिन आपको बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जो मेटल इसमें यूज़ किया गया है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। लुक्स के बारे में बात की जाए तो दोनों में ही आपको विंटेज लुक मिलता है, क्लासिक लुक मिलता है, क्योंकि दोनों बाइक भी 19 सेंचुरीज की है जो पुराने वक्त की यादों को बरकरार रखता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो जावा की स्टैंडर्ड है, मतलब जो जावा का रेड कलर एडिशन है, उसको 90s की जो जावा थी उसकी तरह ही रखा गया है, बस उसके थोड़े इंजन के परफॉर्मेंस में चेंजेस किया गया है और टायर की विड्थ। बात कर लेते हैं जावा और रॉयल एनफील्ड के इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। तो जावा में आपको 300 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक DOSC इंजन मिलता है जो 27 bhp की पावर और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो इसमें आपको 6 मिलते हैं। यही बात करते हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें आपको 350 सीसी का कार्बोरेटर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो ट्विन स्पार्क सिंगल सिलेंडर इंजन पर वर्क करता है। और इसमें आपको 19.8 bhp की पावर और इसमें आपको 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है जो सेम जावा से मिलता जुलता है। और इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो ओनली 5 मिलते हैं कंपेयर टू जावा। जावा में आपको 6 गियर्स मिलते हैं। और यही बात की जाए पावर की, जावा में आपको ज़्यादा पावर मिलती है कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में आपको 20 bhp की पावर मिलती है और यहीं आपको जावा में 27 bhp की पावर मिलती है। तो भाई पावर के मामले में जावा जीत गई है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स की हाइट के बारे में। तो रॉयल एनफील्ड में आपको फ्रंट में 19 इंचेस के ट्यूब टायर्स और रेयर में आपको 18 इंचेस के ट्यूब टायर्स मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट है। शॉर्ट हाइटेड पीपल इसको कंफर्टेबल राइड नहीं कर पाते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी इसको राइड करने में। लेकिन यहीं देखें हाइट जावा की, तो जावा में आपको फ्रंट में 18 इंचेस के व्हील्स और रेयर में आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, जो कि 100 mm हाइट कम है रॉयल एनफील्ड के कंपेरिजन में। और शॉर्ट हाइटेड पीपल्स को यहाँ एक प्लस पॉइंट मिल गया है एक मस्कुलर और एक स्टाइलिश बाइक को बाय करने का। और यहीं बात करें फ्यूल कैपेसिटी के बारे में, तो जावा में आपको 40 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है और रॉयल एनफील्ड में आपको 13.5 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है। अब बात करेंगे दोनों बाइक्स के माइलेज के बारे में। तो भाई रॉयल एनफील्ड में तो आपको अप्रॉक्स 35 तक का माइलेज मिल जाता है, लेकिन अभी जावा का माइलेज आपको नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी ने सभी कहा है कि इसमें आपको 35-40 तक का माइलेज मिल जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक को राइड कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसका एक मेंटेनेंस रख रहे हैं। अब बात करेंगे दोनों बाइक्स के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो जावा में आपको फ्रंट में 280 mm का डिस्क मिलता है विद सिंगल चैनल ABS और रेयर में आपको 153 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। लेकिन यहीं देखा जाए रॉयल एनफील्ड में, तो रॉयल एनफील्ड में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक सिंगल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है और अभी फिलहाल में आपको यहाँ ABS का ऑप्शन मिल जाता है विद ड्यूअल डिस्क में। तो फ्रेंड्स यहाँ ब्रेकिंग में अगर देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड ने बाजी मार ली है, और अगर देखा जाए तो आपको ABS मिल जाता है जावा की बाइक्स में, तो ये एक और अच्छी बात है। थोड़ी ब्रेकिंग सिस्टम में कंफर्टेबल हुई, लेकिन रेयर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है। अब बात करेंगे दोनों बाइक्स के प्राइस रेंज के बारे में। तो जो जावा की स्टैंडर्ड है, मतलब जो जावा का रेड एडिशन है, उसका जो एक शोरूम प्राइस वो है 1.64 लाख एक शोरूम प्राइस दिल्ली। और जो जावा की 42 है उसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 1.55 लाख। और यहीं अगर बात करें रॉयल एनफील्ड के सिंगल डिस्क वेरियंट की, तो वो है 1.39 लाख एक शोरूम दिल्ली। और यहीं अगर ड्यूअल चैनल विद ABS को देखा जाए तो इसमें आपको पड़ेगा 1.62 लाख एक शोरूम प्राइस दिल्ली। तो भाई लोग ये तो था कंपैरिजन बिटवीन जावा एंड रॉयल एनफील्ड। लेकिन यहाँ बात करें कि भाई कौन सी बाइक विनर होती है, तो भाई डेफिनेटली जावा यहाँ विन होती है, क्योंकि जहाँ आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, एक स्टाइलिश सा लुक मिल जाता है, एक बहुत ही एग्रेसिव सा लुक मिलता है, मस्कुलर लुक मिलता है, आप उसको तेज स्पीड में भी राइड कर सकते हैं। अगर आपको एक परफेक्ट स्पीड चाहिए तो आपको उसका ब्रेक हॉर्स पावर भी ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड के।
लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि रॉयल एनफील्ड अभी हार चुकी है। हो सकता है आने वाले दिनों में रॉयल एनफील्ड अपना कोई नया मॉडल लॉन्च कर दे जावा के टक्कर में, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपको 2019 में तो बहुत सा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा जावा और रॉयल एनफील्ड के बीच में। तो अभी के लिए थैंक्स, हमारे वीडियो को लाइक करो, उसको शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अभी के लिए थैंक्स।